यातायात विभाग द्वारा इन दिनों यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक विभाग के जागरूकता अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी कुछ लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चला रहे हैं। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा का कहना है कि यातायात माह में मुख्य तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला, जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना। दूसरा, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना तथा सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर वाहन चलाना। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि लोगों को हेलमेट पहनकर व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो सके। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, यातायात माह को सफल संपन्न कराने के लिए विभिन्न एंगल्स पे जो है कार्य कर रहे हैं। एक तो जनता को जागरूक करना, दूसरा यातायात के नियमों को पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान करना, तीसरा जो लोगों को सुरक्षात्मक उपकरण पहनने के लिए प्रोत्साहित करना, इन तीनों एंगल पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग में जो है पेपर्स नहीं थे बहुत से लोगों के पास, उनका चालान किया गया। जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उनका चालान किया गया, जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए थे उनका चालान किया गया। और जैसा कि आप लोग विदित है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्वैच्छिक संगठनों का यातायात के संबंध में सहयोग लेने के लिए एक कार्य योजना बनाई थी, जो फलीभूत हुई, और उसमें ट्रैफिक रेसिडेंसी यूनिट नाम की एक संस्था गठित की गई है, जो हम लोग यातायात में इमरजेंसी में मदद करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जागरूकता अभियान के अंतर्गत चालकों से? जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जो है यातायात के नियमों का पालन करें, स्वच्छात्मक उपकरणों को धारण करें, और स्वयं के परिवार एवं अपने पड़ोसियों एवं अपने रिश्तेदारों को भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक एवं अनुरोध करें। चेतावनी देना चाहते हैं? नहीं, चेतावनी कोई मतलब नहीं है, ये तो लोग स्वयं समझदार हैं, चेतावनी कोई बात नहीं। अगर वो स्वच्छात्मक उपकरणों का पालन नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये चेतावनी नहीं है, विधिक प्रक्रिया है।